हेलो दोस्तों, दिस इज ब्लॉगर मुक्कू। बड़े को नमस्ते, छोटे को हेलो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सात ताल में और सात ताल का खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ शांति ही शांति है। देन धन मांगो शांति मिलेगी, धन दो तो शांति मिलेगी। देन आप पीछे देख सकते हैं, ये है सात ताल का खूबसूरत नज़ारा। और काफ़ी सारी चीज़ें सात ताल में होती हैं, रिवर क्रॉसिंग एंड बोटिंग एंड राफ्टिंग। राफ्टिंग नहीं होती शायद यहाँ पे, नहीं राफ्टिंग नहीं होती है, बाकी और चीज़ें होती हैं, ट्रैकिंग वगैरह। तो आप सात ताल में आकर इन चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। और देन शांतिपूर्वक हरियालियों के बीच में, क्योंकि आजकल प्लेन साइड को काफ़ी गर्मी हो रहा है, तो आप पहाड़ों में आकर यहाँ पर शांतिपूर्वक अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देन हम सात ताल के किनारे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये तो फिर आधा ले गए ना। और सुबह को चले थे हम करीबन 8 बजे, एंड देन 1 घंटे में हम सात ताल पहुँच गए थे। हम दोस्तों सात ताल भीमताल वाले रास्ते से आए थे, एंड देन आप नैनीताल वाले रास्ते से भी आते हैं, नैनीताल से भवाली होते हुए सात ताल, एंड देन हल्द्वानी से भीमताल होते हुए सात ताल। तो ये सात ताल की जो लोकेशन है वो बीच में पड़ती है। तो आपका सात ताल का सुनहरा और रंगीन सा नज़ारा देख सकते हैं। और आइए चलते हैं। तो गाइज, हमारे वीरेंद्र भाई वो आगे जा चुके हैं और वो सात ताल की खूबसूरती का लुप्त मज़ा उठा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बोल रहे हैं कि बोटिंग को दिखाओ, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोटिंग हो रही है। काफ़ी सुनहरा मौसम है और सुनहरी बोटिंग हो रही है यहाँ पे। गाइज, ये छोटा सा पुल ताल के उस तरफ और इस तरफ जाने के लिए बनाया गया है, और बीच से आप रिवर क्रॉसिंग देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं सामने की ओर काफ़ी रंगीले ऐसे बोट लगे हुए हैं, और दो बोट जो हैं जंगल की ओर को बढ़ रहे हैं। तो गाइज, ये जो मौसम है ये काफ़ी सुनहरा मौसम है। आइए कभी सात ताल में बोटिंग कीजिए। काफ़ी सारे लोग बाहर से आए हुए हैं और काफ़ी सारी बोट लगी हुई हैं। देन ये समय ही बाहर वालों का है। गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवर क्रॉसिंग होते हुए, एंड देन यहाँ पर आप अगर रिवर क्रॉसिंग करते हैं तो जंपिंग भी कर सकते हैं बिल्कुल पानी को छूते हुए। खुद को खींचना पड़ रहा है। भाई लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग दिल्ली। दिल्ली से? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बस बहुत मजा आ रहा है। कितना दिन टाइम हो गया आपको यहाँ पर? अभी हम लोग कल ही आए। कल ही आए हो? तो देख सकते हैं आप जंपिंग हो रही है वहाँ पे। मजा आ रहा है भैया आपको? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? आप देख सकते हैं सात ताल के बीच में रिवर क्रॉसिंग जंपिंग होते हुए। तो गाइस, आप देख सकते हैं बीच में रिवर क्रॉसिंग, देन आधा ताल उस तरफ है और आधा ताल इस तरफ है। ये ताल जंगल के किनार पे है, तो आपको जंगल की खूबसूरती का नज़ारा देख सकते हैं आप अगर यहाँ पर बोटिंग करते हैं। और देन उस तरह बोटिंग करते हैं तो वहाँ पे रेस्टोरेंट और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर भी दिख सकती हैं आपको। देन तो गाइस, हम सात ताल के बिल्कुल किनारे में आ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पर पानी मेरे पैर से कम 2 मीटर की दूरी पर है। अगर मैं यहाँ से गिर जाता हूँ तो सीधे पानी के अंदर। ट्रैकिंग का जो प्राइस रहता है 200 पर पर्सन रहता है। हाँ जी, वही रिवर क्रॉसिंग का भी होता है 200 पर पर्सन। इसमें 3 एक्टिविटी कराते हैं। पहला रहता है वहाँ से यहाँ तक चला, हाँ जी, यहाँ से खुद से एफर्ट करना पड़ता है मॉन्क क्रॉलिंग। तीसरा रहता है सर पानी में स्विंग कराना, पानी में स्विंग। बाकी और बोटिंग का क्या चार्ज होगा? बोटिंग का 200 पर हेड रहता है। 200 पर हेड। तो थैंक यू भैया। ओके। तो हेलो गाइज, ब्लॉगर मुक्कू को
लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे सपोर्ट करते रहो, इससे अच्छी अच्छी ब्लॉग आती रहेंगी। थैंक यू गाइज, बाय बाय। तो गाइज यहाँ पर रिवर क्रॉसिंग हो रहा था, उसके उस तरफ को एक ताल और है और देन ये आधा ताल है, आप देख सकते हैं आधा ताल बिल्कुल किनार जंगलों को छूते हुए और मेरे पैर के कम 1 मीटर की दूरी में ताल है। देन मैं बिल्कुल ताल के किनार में हूँ, आप देख सकते हैं किनारे। तो गाइज सात ताल की खूबसूरती और सात ताल का नज़ारा आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरी ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड खूब सारा प्यार दें। हेलो गाइज, ब्लॉगर मुक्को को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करते रहो, इससे अच्छी अच्छी ब्लॉग आती रहेगी। थैंक यू गाइज।